हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए व्यस्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया।